हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। संडे का दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है, लमसम 10:25 और अपन लोग निकल चुके हैं कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी 200 फुट बाईपास के आसपास अपन जयपुर में आ चुके हैं। आज भी मेरे साथ रवि है, रवि ड्राइव कर रहा है और गाड़ी है अपने पास शेवरले सेल डीजल। इसका जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, एवरेज बहुत अच्छा है। एक्चुअली कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि राजस्थान में कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जो, यानी कि यूट्यूब पे तो नो डाउट बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे अवेलेबल होंगे, बट मैं मेरे तरीके से आप लोगों को एक स्पेशल जगह आज दिखाता हूँ एंड उसको अपन एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई चीज़ें देखेंगे। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों, अब अपन चढ़ गए हैं 200 फुट बाईपास के ऊपर और अपन ने जो अजमेर की तरफ रास्ता घूमता है वो वाला रूट लिया है। कहाँ पे चल रहे हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में ही हम बता देंगे, तब तक आप रास्तों को थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अपन अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पे आ गए हैं। अपन ले रहे हैं रिंग रोड जो कि कनेक्ट करेगा आई थिंक शिवदासपुरा को और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से होता हुआ चलेगा। तो अपन ने ले लिया है अजमेर रोड से लेफ्ट रिंग रोड के लिए और यहाँ पर आपका भी स्वागत किया जा रहा है मेरे दोस्तों और मेरा भी स्वागत किया जा रहा है। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जयपुर रिंग रोड पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब लमसम 20 किलोमीटर अपन इसी रिंग रोड पर रहेंगे और उसके बाद अपन ले लेंगे जिस रूट पर अपने को जाना है वहाँ के लिए राइट। तो दोस्तों, रिंग रोड के ऊपर तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, अब यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये रोड मुहाना मंडी होते हुए जाता है और आप देखिए रोड एकदम शानदार हालत, यानी राजस्थान के हाईवेज तो नो डाउट बहुत शानदार रहे हैं स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से स्टॉक करने के लिए गोदाम बने हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और अच्छी बात यह है कि हाईवे के बिल्कुल पास है तो लॉजिस्टिक का कोई इशू यहाँ पे नहीं आता है। दोस्तों, आरएसएस की रैली निकल रही है यहाँ पे, जिसको मार्च बोलते हैं, रैली तो नहीं बोलेंगे इसको। अभी चुनाव आ रहे हैं ना राजस्थान में तो उसका असर देखने लग गया है। तो दोस्तों, अपन अब थोड़ा सा रूरल एरिया में एंटर हो गए हैं। ये देखो खेत और खेत खलियान आने लग गए हैं, हालांकि अभी फसल को बोया गया है तो आपको जमीन ऐसी लग रही होगी। और आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा हाई लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है। गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है, बट उसके बावजूद भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बट अपन तो निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, आपको अच्छी अच्छी चीजें भी तो दिखानी होती है दोस्तों। तो अभी अपना जो सफर बाकी है वो 2 घंटे और 16 मिनट का बाकी है, उसके बाद अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और आपको सीधा दिखाएंगे, आज बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले दिखाएंगे। और वैसे तो थंबनेल में आपको पता चल जाएगा या पता चल चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो पहले चलो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं अपन। दोस्तों, आज तो धूप ने हालत खराब कर रखी है, बट मौसम में हो सकता है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बदलाव हो। या आप देख रहे होंगे रोड के अगल बगल में ग्रीनरी थोड़ी अच्छी है और अब तो चलो एसी भी थोड़ा ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ से अभी अपनी जो दूरी है वो 84 किलोमीटर है, 1 आवर अभी भी अपने को यहाँ से वहां पे पहुंचने में लगेगा। बगल में रवि बैठा है, मैप को देख रहा है और अब अपन थोड़ी देर में वहां पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, वैसे आप भी बता सकते हो कि आपको भाई राजस्थान में कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगर आप राजस्थान में आओ तो कौन सी जगह ऐसी है जो आप घूमना चाहते हो, वो आप बता सकते हो, मैं आपका दोस्त वो जगह आपके लिए एक्सप्लोर करूंगा। बिसल, ओहो अभी तो मैं डिस्क्लोज कर देता कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, बट चलो अब डिस्क्लोज कर ही देता हूँ क्योंकि थंबनेल वगैरह तो आई नो आ ही चुका होगा। तो अपन जा रहे हैं बिसलपुर डैम, वहाँ पे 1000 साल पुराना शिव जी का मंदिर है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और कहते हैं वहाँ पे मिनी गोवा भी है तो उसे भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपको गाइड कर सके कि आप वहाँ पे आ सकते हो और ये जगह घूम सकते हो। तो दोस्तों, बिसलपुर तो पहुंचे नहीं है लेकिन बिसलपुर से पहले अपन एक लोकेशन पे हैं और इस जगह पे भी अथाह पानी है। अब पता नहीं वीडियो में कितना ही जस्टिफाई हो रखा होगा बट ये चारों तरफ पानी की चादर है।
तो दोस्तों अपन बीसलपुर से लमसम 11 किलोमीटर पहले हैं, टोडा राइसिंग करके ये जगह है। और यहाँ पे अब ये देखो अपने को माउंटेन्स वगैरह तो दिखने लगे हैं। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पानी का जो सैलाब है उसे भी देखेंगे। और यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रैफिक भी दिखने लग गया है। मेरे हिसाब से लोग डैम पे ही आ रहे हैं घूमने के लिए, मौसम थोड़ा सही हो गया है यहाँ पे। और सामने ये पहाड़ की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं बिल्कुल शानदार लग रही है। तो दोस्तों ये वो पाइपलाइन है जो बीसलपुर का पानी पूरे जयपुर शहर में पहुंचाता है। इसका साइज काफी बड़ा है, मोबाइल में तो काफी जो है कैमरा में काफी छोटा दिख रहा होगा आपको। और सोचो 140 किलोमीटर दूर ये लाइफलाइन है एक तरीके की। और अभी ये जो पहाड़ है यहाँ का, यहाँ पे आते हैं एक्चुअल में मौसम एकदम बदल गया है। और ये फर्स्ट मेरे को तो चलो दिख गया आंखों से बांध, बट मोबाइल में अभी आपको थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ पे। तो चलो अब तो ज्यादा दूर नहीं है, 6 मिनट का रास्ता है, 6 मिनट में पहुंचते हैं लोकेशन पे और आपको दिखाते हैं नजारे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है बीसलदेव महादेव का मंदिर, जो कि है लमसम 1000 साल पुराना। और दोस्तों ये जितना भी आप देख रहे हो ये बीसलपुर बांध का पानी है, जो पूरे जयपुर में और आसपास के जिलों में इसी पानी की सप्लाई होती है। और ये चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है कम्प्लीटली। और यहीं पर है बीसल महादेव का मंदिर जो कि तकरीबन 1000 साल पुराना है। तो अभी अपन चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं दर्शन। जय भोलेनाथ। जय हो शिव शंभु। एक्चुअली जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसी तरफ कैमरे की तरफ ही पड़ रही है, बट बहुत ही शांति है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मंदिर है इसकी जो कलाकृति थी वो बहुत ही अद्भुत देखते ही बनता है। मैं अंदर जाके आया हूँ, हालांकि थोड़ा सा डैमेज हो गया है, बट अंदर आज भी वही कलाकृतियाँ हैं, वो भी थोड़ी डैमेज हैं, बट 1000 साल से ये मंदिर यहाँ पर है। और कहते हैं कि ये जो बांध का पानी है वो इस मंदिर में सीधा आता था और शिव जी को जल अर्पण करता था। ऐसे तो मंदिर के अंदर कोई बैठा नहीं था जो थोड़ा सा डिटेल दे पाए कि मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, पर कहा यही जाता है कि 1000 साल पुराने। मैंने गूगल के ऊपर भी देखा है, इसे थोड़ा सर्च किया था। अब अपन चल रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी आगे की तरफ जहाँ पर लोग बांध में नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ा आगे। यही वो दरवाजे हैं, जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इन्हीं को खोला जाता है। गाड़ी का कांच थोड़ा साफ नहीं है तो हो सकता है शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा।
बट अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। अगर वो लोकेशन ऐसी रही कि भाई वहां पे ठीक से अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा सकता है तो अपन पानी में उतरेंगे, वरना अपन पानी में नहीं उतरेंगे। थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं और ये कुछ कच्चे रास्ते अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। किसी से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि भाई इसी रास्ते पे आगे जाके कुछ एंजॉयमेंट की जगह है जहाँ पे आप बांध के पानी में नहा सकते हो। रास्ते बहुत ज्यादा खराब है, हालांकि समतल रोडे नहीं है और डामर के रोड नहीं है और बगल में चल रहे हैं इस तरीके के पेड़ पौधे। सामने आई थिंक अरावली की ही श्रृंखला होनी चाहिए जो काफी शानदार लग रही है, काफी ऊंची है। आई थिंक या तो ये रास्ता होगा। अब ये दो रास्ते हैं यहाँ पे, किस रास्ते पे जाना चाहिए? दोस्तों अपन किसी के कहने पे आ तो गए हैं, अब आगे रास्ता दिख तो रहा है बट वो शायद किसी मंदिर में जा रहे हैं और अभी भी ये कंफ्यूजन है कि हमें किस तरफ जाना है जहां पे लोग नहा सकते हैं बांध के पानी से। और रास्ते इतने खतरनाक है, गाड़ी हालांकि थोड़ी सी नीचे है तो चैम्बर का डर रहता है कि कहीं चैम्बर लग नहीं जाए वरना परेशानी हो जाएगी। अगर थोड़ी दूर चलने के बाद में नहीं मिला तो अपन निकल जाएंगे इस जगह से। तो अपन थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं तो किसी से पूछा है रास्ता, तो यहाँ से अब यू टर्न लेके अपने को फिर इसी रास्ते पे निकलना है आगे। तो अभी अपन ने यहाँ के लोकल से पूछ लिया है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे तो वहाँ पे नहाने वगैरह की व्यवस्था है। तो हमारे रवि की बड़ी दिली इच्छा हो रही है कि मैं तो नहाऊंगा तो इसे वहाँ पे नहलाते हैं पहले। और सनलाइट एक्चुअली क्या है, बिल्कुल सामने से आ रही है, आप ये देख पा रहे होंगे सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन रास्ते इतने कुछ खास अच्छे हैं नहीं। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप आओ तो किसी हैचबैक या फिर सेडान कार से मत आओ, आप आओ यहाँ पे एसयूवी टाइप की गाड़ी लेके। अब ये देखिए क्या हालत है यहाँ पे दोस्तों। ये चीज़ तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, जस्ट सामने मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, आप ये देख रहे हैं। तो लोग इस जगह को मिनी गोवा बता रहे हैं कि ये मिनी गोवा है यहाँ का। अरे भाई किस एंगल से मिनी गोवा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये पानी भी मुझे कुछ इतना खास साफ सुथरा यहाँ पे लग नहीं रहा। ये जो आप सामने देख रहे हैं डैम, उस डैम का जो पानी छोड़ा जाता है वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद में देखो जिस तरीके से लोग बाग अभी सामने भी नहा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसको मिनी गोवा बोलना चाहिए किसी भी एंगल से। अब ये देखो आप, इस तरीके का पानी इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं बट यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, आप आराम से फैमिली के साथ आ सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पानी इतना ज़्यादा कुछ खास साफ सुथरा है नहीं। और ये हमारे रवि जी खड़े हैं, नज़ारों के मज़े ले रहे हैं सामने। ये देखो ये एक्चुअली पूरी घाटी है, एक तरीके से पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है और वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपने। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर कुछ देखने लायक चीज़ें थी तो ये थी, बाकी ये देखो पानी की हालत। तो मैं कोई इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, तो मैं इतना कोई हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि मिनी गोवा के नाम पे कोई आपको चूना लगा दे कि आप जयपुर में मिनी गोवा है, ये कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। बाकी हाँ आप आ सकते हो, बस आपको अगर थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करना है तो आप आ सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे जो एक्सप्लोर करना था डैम के अलावा और वो जो बिसलपुर महादेव है या बिसल महादेव का मंदिर है, उसके अलावा ऐसा कुछ खास यहाँ पे मुझे लगा नहीं। तो अब मेरे को लगता है यहाँ से अपने को निकल लेना चाहिए। यहाँ से निकलेंगे अपन तो अपने को लमसम वही 145 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। तो रन तो क्या ही करना पड़ेगा, गाड़ी चला के जाएंगे वैसे तो,
बट रास्ते इतने कुछ खास है नहीं, थोड़ी दूर में अभी धीरे धीरे ही निकलना पड़ेगा, बाकी एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ से अपन निकलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है अपने को बिसलपुर बांध को अलविदा बोलने का। अपन निकल चुके हैं अब बिसलपुर से। एक्चुअल में जो चीज़ सोच के आए थे, मैंने कई व्लॉग्स में देखा कि मिनी गोवा है, मिनी गोवा है, मिनी गोवा तो मिला नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला और काफ़ी शांति थी मंदिर में जिसमें मैं और रवि गए थे। अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब अपन जयपुर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में घर पे पहुंच जाएंगे। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई चीज़ को करते हैं एक्सप्लोर। तो बने रहिएगा एक्सप्लोर विद AKJP।